सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमान येगी और आप सभी का स्वागत है मेरे इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव फाफन से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूं 10 बजे से। और मैं आ रही हूँ खेत में घास के लिए और मैंने ये 3-4 पूरी घास की निकाल दी है, बाकी कुछ यहाँ पर निकाल रही हूँ, थोड़ा सा निकालूंगी। और आजकल हमारे यहाँ पे खेती का हल लगाने का काम शुरू हो चुका है तो सभी लोग लगे हुए हैं हल लगाने में। और आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी वाली धूप लगी है और सामने देखिए चौखंबा पर्वत कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना, कितना चमक रहा है। चौखंबा पर्वत पे ना बर्फ़ और बर्फ़ के ऊपर से धूप लगी हुई है, इतनी अच्छी वाली धूप लगी हुई है ना, तो ऐसा चमक रहा है पर्वत। देखे मैं सामने, तो थोड़ा सा आज का मैं व्यू दिखा देती हूँ आपको कि आज का मौसम कैसा है। अभी मैंने घास का भारा निकाल दिया है और मैं आधा रास्ते तक पहुंच चुकी हूं। यहां पे मैंने थोड़ा सा विश्राम कर रही हूं और यहां पे ये चर रहे हैं बैल, क्योंकि आजकल हल लगा रहे हैं ना तो आजकल सार भी खाली हो गई है, तो यहां पे बैलों को गायों को ऐसे ही खेतों में चराने के लिए छोड़ते हैं। शाम के 4 बजे का टाइम हो गया है और हम जा रहे हैं घास के लिए। तो आजकल ना यहाँ ऊपर में जो रोड बरसाल वाले रोड की कटिंग हो रही थी ना, तो उसका काम यहाँ पे फिर से शुरू हो गया है। आजकल यहाँ पे लगे हुए हैं काम पे, तो अच्छी वाली रोड बन रही है सीधे गाड़ी जाने के लिए। और हम जा रहे हैं गांव से इधर के लिए घास के लिए, उधर मनसुना साइड पे घास के लिए। बाकी मौसम भी आज का काफ़ी अच्छा है सुबह से, आजकल तो डेली ही मौसम काफ़ी अच्छा है। और मेरे साथ आ रही है नेहा की मम्मी, और मैं, तो हम जा रहे हैं अभी घास के लिए। और अभी आपको ना साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सामने से धूप चमक रही है ना, तो इस वजह से मतलब क्लियर नहीं आ रहा है कि इधर से तो आ रहा है इस साइड से, क्योंकि इस साइड से अंधेरा अंधेरा सा। तो अभी मैं रास्ते में इधर आई रही थी तो मेरा एक जूता फट गया था, तो मैं लाई हूँ आपने लिए जूते, नए वाले जूते, और मैं आपको भी दिखा दूँ ठीक है मेरे जूते कैसे हैं, ये वाले जूते। तो क्या है कि हमारे पहाड़ों में हम डेली यूज के लिए ज़्यादातर प्लास्टिक के जूते पहनते हैं, हम चप्पल वगैरह कम पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है खेतों का काम जंगल का काम ज़्यादा है, तो इसलिए हमको चप्पलों में चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और बारिश में वैसे भी चप्पल में तो फिसलने का भी डर होता है, तो इसलिए हम जूते ही ज़्यादा पहनते हैं, तो हमारा ज़्यादातर जूतों का यूज होता है। तो इसलिए हम गर्मियों में भी ठंडियों में तो पहनते ही पहनते हैं, पर गर्मियों में भी हम बरसात के टाइम पे जूते ही पहनते हैं। और इसने भी देखो इसके भी जूते ही पहन रखे तो सभी के यहाँ पे पहाड़ी हर औरत के जूते ही पहनते हैं, सभी के चप्पल बहुत कम लोग पहनते हैं, जो घर में सिर्फ घर में यूज करने के लिए चप्पल पहनते हैं, बाकी तो हम जूते। और यहाँ पे खूबसूरत सा झरना, तो अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ मनसुना साइड की तरफ, जंगल मतलब घास के लिए जा रहे हैं, और हमारा गांव पड़ता है इस साइड, तो अभी तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और हम तो जब जंगल जाते हैं ना तो ऐसे कमर पे बांधते हैं रस्सी और ऐसे ऐसे पीठ पे ना दरांती को ऐसे पीठ पे रखते हैं और रस्सी को ऐसे कमर पे बांधते हैं। तो किन किन के यहाँ पे रस्सी को इस तरह कमर पे बांधते हैं मुझे कमेंट में बता देना ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसे ही बांधते हैं, बाकी यहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ आपको ठीक है। ये रहा यहाँ से सामने हमारा गांव, यहाँ से ये
ये है फाफंज गांव। यहाँ से क्या बने मोलो का पंजाब बन गया सर। अभी वहां नीचे रोड से हम ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगे हैं, पता नहीं कहाँ जाना होगा। और यहाँ पे सामने पे है भोलेनाथ जी का मंदिर, और भोलेनाथ जी के मंदिर में मैं इससे पहले भी आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराए हैं, तो एक झलक में यहाँ से भी करवा देती हूँ आपको भोलेनाथ जी के दर्शन। यहाँ धपा धाप कर रही है, और यहाँ नीचे से आए हम, यहाँ से फिर यहाँ ऊपर जाना है हमने इस जंगल में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, जिन लोगों के यहाँ पे हम आए थे घास के लिए, तो ये रहा इनका घर। बहुत मुश्किलों के बाद मिला है आपका घर हमको। पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा हमको। तो ये रहा, हम तो पहली बार है यहाँ पे। प्रणाम। ये रहा इनका घर, और इनके घर के आसपास देखिए पूरा का पूरा जंगल है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा घास होता है, तो हम यहाँ पे घास के लिए आए हैं। तो देखते हैं घास कहाँ से निकालते हैं। और यहाँ देखिए इतने अच्छे मौसम में भी धूप कितनी हो रही है अच्छी वाली, और जोंक अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। ये घर पे आए तो हमको मिल गए हमारे सब्सक्राइबर। ये रहे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो आप हमारे चैनल पर भी आए, मेरा चैनल का नाम है एवन सेमवाल, और इनका ब्लॉग मैं पहले से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि ये मिले तो आज है मुझे, लेकिन मैं पहले से इनका ब्लॉग देखता हूँ। काफ़ी अच्छा इनका ब्लॉग है, तो देखता रहता हूँ मैं, बड़ा आनंद आता है। साथ में हमारे बड़े भाई, ये इनका है अनूप सेमवाल ब्लॉग के नाम से। तो आप हमारे चैनल पर भी आएँ और अपना आशीर्वाद हमें भी दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम केदारनाथ ब्लॉगर के साथ मिले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो हम यहाँ पे घास के लिए आए, और क्यों आए और कैसे आए वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। इनका मकान है यहाँ पे, पुराना घर है इनका, और ये रहते हैं। आप देहरादून में रहते हैं? मैं टिहरी में रहता हूँ। अच्छा, आप लोग और इनका पुराना मकान है ना यहाँ पे। तो कभी कभी ये छुट्टियों में, जैसे छुट्टियों में घर आते होंगे, तो इनके घर में आजकल पानी का काम चल रहा है, तो घर के आसपास काफी सारा घास हो गया था। तो नेहा के पापा कर रहे हैं यहाँ पे पानी का काम, तो इन लोगों ने हमको बोला कि यहाँ पे घास के लिए आ जाओ, तो इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे घास के लिए। नहीं तो हमारे इतने दूर खेत इतने दूर नहीं है कि जो हम यहाँ पे घास के लिए आएंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हमारे घर के सामने काफ़ी सारा घास हो रखा है, आप लोग आ जाओ, तो हम आ गए, तो इसलिए इनसे भी मुलाकात हो गई। तो ये रहा इनका पुराना वाला मकान, और इनके घर के आगे कुछ इस तरह से घास हो रखा था, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, तो होता है ना कहाँ जहाँ पे कोई रहते नहीं है तो थोड़ा सा घास वास झाड़ी उड़ी हो जाती है, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे घास काटने। तो फिलहाल तो हम काटते हैं घास।
अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया है और हमने निकाल दिया है यहाँ पे घास। हमने उधर से लेके यहाँ तक इस पूरे घर के आसपास के घास हमने काट दिया है। और ये रहा नेहा की मम्मी ने भाड़ा उठा दिया है और मेरा भाड़ा ये रहा है। तो थोड़ा हमारे पास ज़्यादा हो गया तो हमने यहीं पे बचा के रख लिया है। वो काफ़ी अंधेरा हो गया है तो हम घर चलते हैं। हेलो, हम अभी इतनी रात को आ रहे हैं घास के लिए, जहाँ पर हम वहाँ पर घास के लिए गए थे तो मुझे बहुत देर हो गई थी, तो मैंने साक्षी को और नेहा को बोला है। और तो थोड़ा नेहा ले जा रही है मेरा घास और थोड़ा मैं ले जा रही हूँ। अभी हम रोड के ऊपर में जा रहे हैं, अभी हमने काफ़ी दूर जाना है और काफ़ी सारा अंधेरा हो गया है। देखिए, हम टॉर्च पे जा रहे हैं, अब जाना है गौशाला और फिर जाएंगे गौशाला, दूध मांगना है गाय से, फिर वापस आना है, तब तक बहुत रात हो जाएगी। तो इतने अंधेरे में जा रहे हैं हम, वहाँ पे हमको पता नहीं। आजकल इतना काम हो रहा है, इतने अंधेरे में जाना पड़ रहा है हमको गौशाला, वो भी ऊपर से घास का भाड़ा लेके और उतनी दूर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर से। हम आधा किलोमीटर तो सीधा गए, उसके बाद आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे गए, फिर वहाँ से आते आते हमको लेट हो गया। तो गौशाला चली गई होगी। यहाँ देखो इसका भाड़ा बहुत ही छोटा है, पर पहली बार आज ऐसा हुआ है कि मैं इतने अंधेरे में गौशाला गई हूँ और गाय से दूध मांग रही हूँ। गाय भी बोल रही होगी कि आज ये क्या पकी बात हो गई है, इतने अंधेरे में जा रही है गौशाला। दो बॉडीगार्ड आ रहे हैं मेरे साथ और बाहर देखो इतना सारा अंधेरा हो गया है ना, गाय भी आज ना एकदम से चौंक रही है कि आज ये क्या हो गया इतने अंधेरे में। घास काटते काटते पता नहीं चला यार हमको कि अंधेरा कब हो गया। एक बॉडीगार्ड यहाँ फोन पे लगी है, देखो ये है नेहा। मेरा साहब पहचान रहा ज्यादा ना कि ये बॉडीगार्ड है, ये है इसके हाल बॉडीगार्ड के, फोन पे लगी है। तू जब बोला को नहीं ये पता नहीं मैं दे दी थी लोगों को। लो ये भी आ रहे हैं इतनी रात को और आज हमको भी लेट होगी। और इनको ये तो हमेशा ही इतनी लेट से आते हैं, तो इन मैं देती हूँ इनको दूध, तो कभी मैं गौशाला में बोतल ले जाना भूलती हूँ ना, तो यहीं पे रख देती हूँ। पैसे कमाने के चक्कर में आदमी इतनी रात रात को आ रहे हैं, भाई क्या बात है। अब लोग आने के चक्कर में आप इतनी देर में आ रहे हैं। इसका देखो थकान की वजह से इतना मुंह दनका रखा है और सारा काम किया, मैं क्या बताऊं। इस पे रखने हैं हमने दूध, तो ये ले जाएंगे दूध, तो ठीक है रखते हैं पहले हम। अभी हम अकबर डाले में आ गए हैं और हमको काफ़ी अंधेरा हो गया, तो हम गौशाला से घर जाने लग गए हैं, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। और ये दोनों आज मेरे साथ आए थे क्योंकि मुझे अंधेरा हो गया था, डर लग रहा था, तो मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया। तो यहाँ से मैं ना अंधेरे में थोड़ा सा अपना गांव का व्यू भी आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। तो ये रहा हमारा गाँव का व्यू, कुछ इस तरह से है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो हम वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय 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 बाय।